नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आरके इंडिया यूट्यूब चैनल में आज का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सामाजिक कल्याण विभाग के तरफ से यानी कि बिहार सोशल वेलफेयर बोर्ड के तरफ से बच्चे को देख रेख करने के लिए बिहार के लगभग हर जिलों में पाँच पाँच लोगों की भर्ती होने वाली है, जिसमें से एक अध्यक्ष पद पर होंगे और चार सदस्य होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि इसका कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, इसमें महिला होंगी या पुरुष होंगे, सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। कितना रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा यानी कि हर मंथ आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है और कहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी प्रक्रिया आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी बिहार से हैं, आप भी ग्रेजुएशन पास है या इंटरमीडिएट पास हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इजी टू नेट इंग्लिश वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, नहीं तो आपको गूगल में भी सर्च करेंगे इजी टू नेट यानी www.easytonet.com तो इस वाले साइट पर चलेंगे। इसका लोगो इस तरह का होगा। तो इस वाले साइट पर आने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में आपको दिखलाई देगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022, नहीं तो इसमें नहीं दिखलाई देगा। आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन जो दिखलाई देगा इसमें भी दिखलाई देगा। पहले अगर आप वीडियो ज़्यादा दिन के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है ये अपडेट नीचे की ओर चला जाए, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको इसमें डोल देना, तो इस तरह के लेटेस्ट जॉब में आपको दिखलाई देगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022 बिहार समाज कल्याण विभाग हर जिले में पांच लोगों की भर्ती है, जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन मिलेगा 30,000 प्रतिमा, ठीक है। तो जैसे स्क्रॉल कर देंगे इस भर्ती से रिलेटेड सारा जानकारी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो भर्ती से रिलेटेड सारा जानकारी दिया गया, तो जो भी मेन बातें हैं वो हम आपको यहाँ से बतलाते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि आपको भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देख सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022 ओवरव्यू, ठीक है फ्रेंड, यानी कि बिहार समाज कल्याण विभाग हर जिले में पांच लोगों की भर्ती, ये जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन। यहाँ से पोस्ट डेट की बात करें, जैसे तो पोस्ट डेट की 25/6/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। पोस्ट टाइप की बात करें तो बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चेयरमैन मेंबर वैकेंसी 2022 बिहार समाज कल्याण विभाग भर्ती, ठीक है, भर्ती होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चले जाएंगे। और भी बात करें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो बिहार में हर जिले में एक चेयरमैन और चार मेंबर्स की होगी भर्ती। अब इसमें यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपका 25/6/2022 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन स्टार्ट इसका 25/6/2022 को स्टार्ट होने लगा है, यानी फॉर्म भी फिलअप होना है। नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक है, आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी की बात करें यहाँ देख सकते हैं प्रति बैठक के लिए 1500 रुपया यानी कि हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी दी जाए, यानी कि प्रति महीने यानी कि जब भी अगर महीने में एक बार हो या दो बार हो यानी जितने भी बार हो प्रति बैठक में 1500 रुपये होगा। और यहाँ से देख सकते हो 20 बार होगा या जितने भी बार होगा 30,000 रुपये प्रति माह आपको मिल सकते हैं, ऐसा कहना है, ठीक है। अब जितनी बार बैठक होगी आपको 1500 रुपये मिलेगा एक बैठक में। अब कितना बैठक होगा आपको ये डिपेंड करता है, यानी कि उस पर काम पर डिपेंड करता है। और आपको मिनिमम यानी कि मिनिमम 30,000 रुपये प्रति माह मिल सकता है, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार में कहीं से भी यानी अपने जिले में ही भर्ती मिलेगी, अगर आप जिस जिले से आते हैं उसी जिले में भर्ती मिलेगी अगर आप उसके लायक होंगे, ठीक है फ्रेंड। यानी देख सकते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, यानी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2022 इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, स्टार्ट ऑनलाइन अप्लाई का हम पहले ही बता रहे 25/6/2022 इसका ऑनलाइन स्टार्ट है। और लास्ट डेट की बात करते हैं 11/7/2022 तक इसका लास्ट रखा गया है। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, एप्लीकेशन फी यानी फ्री में आपका होगा आवेदन। उसके बाद यहाँ देखते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022 पोस्ट डिटेल, पोस्ट नेम की बात करते देख सकते हैं सोशल वर्कर मैनेजर यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी और बिहार के हर जिले में एक चेयरमैन होंगे, जो कि एज लिमिट की बात करते हैं 30 से लेकर 65 वर्ष की, यानी कि अगर आप हैं एज लिमिट अगर 30 से 65 के बीच में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा का चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ठीक है, चार मेंबर्स इसके लिए होंगे, एक चेयरमैन होंगे और चार मेंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिफरेंस यानी आपके जिले में किस किस कैटेगरी के लोग यहाँ से रह सकते हैं, देख सकते हैं जिले का नाम जो बतलाएगा रोहतास, औरंगाबाद, पटना, खगड़िया, किशनगंज, भागलपुर, नवादा, जहानाबाद
अररिया, पूर्णिया, गया, सिवान, जमुई, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, सुपौल में देख सकते। जनरल की बात करें तो 3 रखा गया, और ईबीसी और बीसी की बात करते वो 1 रखा गया, और एसटी की बात करते 1 रखा गया है, ठीक है। उसको इंक्लूडिंग 2 फीमेल, यानी 2 फीमेल भी इसमें रह सकती है इस जिले में, जिस जिले की हम बात किए हैं, ठीक है। उसके तो भोजपुर हो गया, बेगूसराय हुआ, सहरसा हुआ। सहरसा की बात करते देख सकते जनरल के लिए 3 रखा गया, और ईबीसी के लिए और बीसी वन के लिए 1 रखा गया, इंक्लूडिंग यानी इसमें 1 फीमेल रह सकते हैं। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा आपके जिले में कितना वैकेंसी से कितने मेल है और कितने फीमेल है, ताकि बहुत से जिले में 2 फीमेल दे दिया और बहुत से जिले में 1 फीमेल दे दिया, ठीक है। पर तो अब इस तरह आप अपना देख लीजिएगा अपना जिला में, ठीक है। पर नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम सभी जिलों की बात करेंगे, तो आप अपना जिले से देख लिया, जिस भी जिले से आते हैं आप अपना हिसाब से देख लीजिए। देख सकते हैं मधुपुरा जिले में जनरल के लिए 1 रखा गया, और ईबीसी और बीसी वन के लिए 1 रखा, और एसटी के लिए 1 रखा गया, ठीक है। इस तरह आप मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022 एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक प्रतिष्ठा यानी डिग्री प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता के आवेदन पर नियमावली के निहित प्रावधान के आलोक में विचार किया जाएगा, ठीक है। पर यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट के डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक या आप दे सकते हैं प्रतिष्ठा यानी डिग्री प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन नियमावली के निहित प्रावधान के आलोक में विचार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट होंगे सामाजिक कार्यकर्ता के, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सामाजिक कार्यकर्ता का यानी कि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को चयन किया जाएगा जिनके पास ये मतलब सारा डाटा रहेगा उनके पास, उसके बाद आपको विचार किया जाएगा कि आप इसमें हो सकते हैं नहीं, ठीक है। जिले में 1 अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होंगे, जिनसे कि कम से कम 2 महिला और कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं 1 सदस्य अति पिछड़े वर्ग के अन्य पिछड़े वर्ग के समुदाय से होगा। रिक्तियों के संख्या सभी समुदाय में बढ़ और घट भी सकता है। और देखते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022 की सैलरी, इनके प्रति बैठक के लिए 1500 रुपया दिए जाएंगे। देख सकते हैं इनके प्रति बैठक के लिए 1500 रुपया दिए जाएंगे, और हर महीने 20 बैठक किए जाएंगे, तो इसलिए इन्हें हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी दी जा सकती है, ठीक है। यानी हर महीने 20 बैठक हो सकते हैं, इस हिसाब जोड़े 30,000 रुपये आपका सैलरी हो सकता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार वैकेंसी 2022 ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। जैसे सोशल वेलफेयर बिहार के ऑनलाइन आवेदन करने सामाजिक कल्याण विभाग का ऑफिसियल साइट पर जाना होगा, उसके बाद एडमिशन अगर आपको पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है देख सकते हैं, जैसे ही आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, देख सकते हैं दिए गए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन बटन पर क्लिक करके मांगे सभी जानकारी आपको भर लेना, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जैसे ही करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ थोड़ा सा करके दिखलाते हैं, उसके बाद देख सकते हैं अप्लाई नाउ को सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉग इन करके आपको यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, देख सकते हैं इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, हम आपको डेस्कटॉप मोड में हो जाते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पंजीकरण करना है, पंजीकरण करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं सामाजिक, तो पोस्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो पोस्ट का ऑप्शन जो देख रहा है यानी किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य या सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य यानी CWC या JGB, तब जिस भी चीज़ का करना है उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको गृह जिला, किस जिले से आपको करना है आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नाम लिख देना, पहला नेम, उसके बाद मध्य नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका नाम लिख देना, फुल नेम आपको जो भी आपका होगा नाम लिख देना, उसके बाद पिता का नाम इसमें लिख देना है, ठीक है। पिता का नाम लिख देना, उसका पिताजी का मध्य नाम लिख देना है, उसके बाद पिताजी का उपनाम लिख देना, जो भी आपका टाइटल होगा आप इसमें सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पिता के जी का नाम फुल नेम लिख देना, जो भी पिताजी का नाम होगा फुल इसमें लिख देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी होगा इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लिंग जो भी आप होंगे मेल फीमेल मादा या पुरुष जो भी होंगे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो धर्म जो भी आपका होगा हिंदू धर्म या जिस भी धर्म से आते हैं आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदू धर्म या जो भी हो गए सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल आईडी जरूर देते हैं, ठीक है। अपना ये बात आपको समझ में आ गई, ईमेल आईडी जरूर आप इसमें दे दीजिएगा। उसके बाद लिंक अपना चूज कर लेना, उसके बाद श्रेणी यानी किस श्रेणी से आप आते हैं अपना कैटेगरी चूज कर लिया, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं आप अपना कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से हमारे हिसाब से कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं, खुद मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। उस आपको यहाँ से मोबाइल नंबर दे देना, उसको अगर आप उस मोबाइल नंबर से चलाते हैं जिनके पास व्हाट्सएप होगा और उसको व्हाट्सएप नंबर भी दे देना, उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना, उसको जो पासवर्ड आपके पासवर्ड जिस भी तरीके से आपको बनाना है आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिएगा। उसका पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ से जो दिखलाई दे रहा है ये कैप्चा, कैप्चा दिखलाई दे, इसमें कैप्चा पर रजिस्टर पर क्लिक करें, तो जिस भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिएंगे उस पर तो यूजर आईडी पासवर्ड चला जाएगा। इस पर यूजर आईडी पासवर्ड करके आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर कहाँ से करना है
ये सारा चीज़ भर कर आपको रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद फिर से बैक आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद जो लॉगिन का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है दोस्तों, लॉगिन का जो दिखलाई दे इस पर आपको क्लिक कर देना। ये बार जो लॉगिन का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इस पर क्लिक करके, जिस जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड गया होगा, आपको यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है। देख सकते हैं जो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड मिला होगा यहाँ से देख सकते हैं, रजिस्टर यूजर और लॉगिन ईयर, यूजर आईडी डाल देना, उसको पासवर्ड डाल देना जिससे भी आपको आप बनाए होंगे अपने हिसाब से। उसके बाद ये जो कैप्चा दे रहा है इसमें भर कर उसका लॉगिन का ऑप्शन क्लिक कर देना है। लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स इसमें भरा गया, आप यहाँ से भर सकते हैं। देख सकते हैं फोटो साइज की बात करें तो 50 KB से लेकर यानी 200x300 PX पे आपको अपलोड करना है, ठीक है, और सिग्नेचर 20 KB में करना है। सारा चीज़ इसमें बदला गया, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपको जो भी ऑनलाइन आवेदन करते समय सही ढंग से करेगा, नहीं तो किसी प्रकार का अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय गलत होगा तो आपकी जिम्मेदारी आप खुद ही होंगे। इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए वीडियो करते समय आप वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।